पर मुद्दे हैं उन्हें उठाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 20 साल में प्रगति और विकास के नाम पर उड़ीसा की जनता को सिर्फ धोखा मिला है। वो कहते हैं मोदी जी ने यहाँ पर वादा किया था पूरे देश में कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, और नवीन पटनायक जी ने कहा था कि 2 लाख रोज़गार हर साल देंगे। ना देश की जनता को 2 करोड़ रोज़गार मिले, नौकरियों के अवसर मिले, ना उड़ीसा की जनता को 2 लाख रोज़गार मिले। तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, यहाँ पर दोनों का गठजोड़ चल रहा है, अघोषित गठजोड़। भाजपा और बीजेडी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और वादों के नाम पर सिर्फ झूठ बोलना ही काम है। और मुझे लगता है कि जो धीरे धीरे एक गुस्सा था जनता का, वो आज इस बाई इलेक्शन में दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखने को मिल रहा है, बालासोर में भी और तिरलोत में भी। युव कांग्रेस तरफ रागिणी नायक को संवर्धना। अखिल भारत जातीय कांग्रेस कमिटी जातीय मुखपात्र तथा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन पूर्वतन सभानेत्री और वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता रागिणी नायक को भद्रक युव कांग्रेस तरफ स्थानीय ओरियन होटेल संवर्धना दी जाएगी। पूर्वतन मुखपात्र तथा राज्य कांग्रेस पूर्वतन संपादक शुभेन्दु राय महापात्र नेतृत्व में शताधिक युव कांग्रेस कर्मी श्रीमती रागिणी नायक को भद्रक जिलार कांग्रेस संगठन तथा छात्र कांग्रेस और युव कांग्रेस और अन्य छामुआ संगठन अभिवृत्ति उपरे व्यापक आलोचना करते। भद्रक जिला छात्र कांग्रेस पूर्वतन सभापति बलराम राउत, युव नेता प्रकाश ज्योति महाकुट, संपादक रंजित दास, कल्पतरु परिडा जिले छात्र और युव कांग्रेस को बलशाली करने निम्ते दावीपत्र प्रदान करते। भद्रकु कमल लोचन पटाक रिपोर्ट ओडिशा समाचार।